जो बंदा खुश होता है उसको ही सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे मैं लास्ट ट्रेनिंग में बता रहा था, मोर देन 99% ऑफ डिजीज आर ड्यू टू लैक ऑफ एप्रिसिएशन, लैक ऑफ एडिफिकेशन। अगर हम एडिफाई नहीं करते हैं, एप्रिशिएट किसी को नहीं करते हैं, हर समय अपने या माथे पे, वो कहते हैं ना डोगरी पत्र मुड़ी चाड़ी रहते हैं, तो वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। हमें खुश रहना है किसी की कामयाबी के ऊपर, हमेशा खुश रहना है। चाहे देखो कि कोई कामयाब हो गया, किसी ने बहुत अच्छा कर लिया, हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, हम क्यों दुखी हों उसकी कामयाबी के ऊपर। अक्सर ऐसा होता है हम जेलस हो जाते हैं, बट वो हमें कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान कर रहा है। हमें उसको प्रेज करना है, हमें उसको अप्रिशिएट करना है, उसको एडिफाई करना है। अगर हम किसी को एडिफाई करेंगे, कोई हमें पक्का करेगा, ये श्योर है। अगर हमें ही एडिफिकेशन की आदत नहीं है, अप्रिशिएशन की आदत नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं तो सबको गाली देता हूँ, मेरे को कोई नमस्कार करेगा, नहीं करेगा। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, हमें करना चाहिए, और हमें रिटर्न में वही मिलता है जो हम करते हैं, जो देते हैं सोसाइटी को वही हमें वापस मिलता है। मैं आपको कल का इंसिडेंट बताऊं, मुझे मैंने मिस किया यहाँ ऑफलाइन के बाद का सेशन, बट हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, बड़े सारे फोन आ रहे थे बच्चों के भी, हेड सर ने भी फोन किया कि आपको आना जरूरी है, बच्चे मिस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकला और जैसे ही मैंने गेट एंटर किया, हमारा काफी बड़ा स्कूल है, हाई स्कूल है, तो एक बहुत बड़ी ग्राउंड है स्कूल की, और दूर से लग जाता है कोई एंटर किया है। मैंने स्कूल में लगभग 240 पे एंटर किया, 240 पे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो पूरे हॉल में तालियां बजना शुरू हो गई। मैं सोचा तो पता नहीं क्या किसकी तालियां बज रही हैं, पर जब मैं उस हॉल में, यहाँ सेलिब्रेशन चल रही थी, फेयरवेल पार्टी चल रही थी, तो वो बच्चे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मैं नहीं कहता कि मैंने वहाँ बहुत कुछ किया है, बट मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में हूँ, यहाँ पर भी हूँ, मेरे जाने के बाद वहाँ एक थोड़ा सा वैक्यूम जरूर नजर आए कि कुछ तो गया है। ये हम हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि ये स्कूल में हम पोस्टेड हैं, जहां भी हम जिस भी काम, जिस भी प्रोफेशन को चला रहे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, जो भी दायित्व निभा रहे हैं, हमारे वहां अफसेंस, हमारी अफसेंस के बाद कुछ तो महसूस हो कि नहीं, कुछ तो लॉस हुआ। हो सकता है हमारे बाद वहां पे पार्टनर भी आने वाला हो, बट हमारे जाने का एहसास किसी को जरूर होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में। तो ये मैंने महसूस कर, मुझे बड़ा खुशी हुई कि नहीं, मेरे को इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जबकि वहां पे 18-20 लोगों का स्टाफ और भी है। ऐसा होना चाहिए, खुशी होती है जब ऐसा लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं 10 से 4। कैसे निभा रहे हैं ये हमारे ऊपर है। और थैंक गॉड अभी तक, आज तक मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हूं। एक बार एक्सीडेंट हुआ, इतना डेंजरस एक्सीडेंट था, मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, बट मैं और मेरे साथ में जो लोग थे वो सारे सुरक्षित थे। मैं खुद गाड़ी से नीचे उड़ के बाहर आया, रोड के ऊपर काफी नीचे डाउन में चली गई थी। छोटा सा बच्चा मेरा तब लगभग 3-3.5 महीने का था, वो गाड़ी से निकल के पता नहीं कहाँ ऊपर ही गिर गया था और गाड़ी नीचे चली गई है। मुझे नहीं लगता था कि हम इसमें से गाड़ी से बच भी पाए होंगे, जब गाड़ी नीचे जा रही थी, मैं अवेयर था कि गाड़ी जा रही है, अब करूँ क्या। बट थैंक गॉड, हो सकता है कि कोई अच्छी दवाएं होंगी जिन्होंने हमें ऐसे लगता है कि पकड़ के पकड़ ही लिया, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी लगी, यहाँ लगी, थोड़ी ब्लीडिंग तो होती है, जब गाड़ी टोटल लॉस हुई तो इंसान कितने लगेगी। तो अब वहां लगता है कि हमें अच्छे काम की दवाएं जरूर मिलती हैं, भगवान साथ जरूर देता है, भगवान हमारे साथ हमेशा है, तो पॉजिटिव रहे। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैंने देखा इस ट्रेनिंग सेंटर में हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी लगी, कोई बात हमें नेगेटिव नहीं लगी, और हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमें वैसे में भी ट्रेनिंग की, मैम वहाँ अभी बात कर रहे थे कि यहाँ तो हम रैंडमली रिपोर्टियर्स को बुला रहे हैं और किसी को हेजिटेशन नहीं है, ये प्लस पॉइंट होता है टीचर के लिए। अगर टीचर खड़ा होने में डर रहा है, दैट मींस कि वो क्या करेगा। यहाँ देखा हमने फुल कॉन्फिडेंस है और बोलने का समय जितना मिलता है उसमें खत्म करने की कोशिश करते हैं, बट बोलने के लिए उनको खड़ा किया जाए तो हो सकता है 1.5-2 घंटे भी बोले। ये अच्छी क्वालिटी है टीचर में होनी चाहिए। मैं खुद बहुत प्रेज करता हूँ आप सब लोगों की जिन्होंने ये पॉजिटिव क्वालिटी हमें शो की है, क्योंकि ये स्टेज मंच ऐसा होता है, मंच चाहे 10 लोगों के सामने हो, चाहे 5 लोगों के सामने हो, टांगे तो काम जाती है, बड़े बड़ों की काम जाती है, बट यहाँ मैंने देखा एक कॉन्फिडेंस है और एक पॉजिटिविटी है, वो सबसे अच्छी बात है, इंसान सीखता है पॉजिटिविटी से। तो थैंक यू एक बार फिर। मैं आज जो सेशन हुए और कल की जो एक्टिविटीज है उनका एक रिजल्ट अनाउंस होगा, बट मुश्किल होता है जो पहले अभी रिपोर्टेड सेशन का कर दूँ। आज तो रिपोर्टिंग सबसे सबने बढ़िया अच्छे तरीके से की है, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सबसे अच्छी रिपोर्ट? मैं अब थोड़ा सा आपसे भी तो पूछूं। ठीक है, कोई और बताएगा कि कहीं हमारी इवैल्यूएशन गलत तो नहीं हो रही? होशियार सर। और
देखिए सबने अच्छे किया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जो फाइनल किया, हमने देखा दो लोग ऐसे हैं जो नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, तो मैं जॉइंटली हमने डिस्कस किया कि जॉइंटली डिक्लेयर करेंगे दीपिका मैम को और होशियार सर। होशियार सर दोनों ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है, होशियार सर का प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया है और एक कॉन्फिडेंस के साथ और बिना कुछ देखे, वो अच्छी बात होती है। और दीपिका मैम ने बड़ा अच्छा किया, और सबसे बड़ी बात है दीपिका मैम ने बड़े अच्छे जो मेन हॉट स्पॉट्स थे उस ट्रेनिंग से कल के पूरी प्रोसीडिंग के, वो उनको रिटिंग बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वो अच्छी बात है। राइटिंग भी बड़ी अच्छी है ना, रियली आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो आप दोनों को हम जॉइंटली करेंगे डिक्लेयर आज के सेशन में, रिपोर्टिंग के लिए आप दोनों फर्स्ट, बाकी वालों की भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा आज का, यहाँ कोई प्राइस नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि हमें क्लास में भी अगर हम अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छा कर रहा है उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, ये हमें करना भी चाहिए। अब रही बात कल की जो एक्टिविटीज थी, हम पहले बात करें जो स्केच की एक्टिविटी थी, थोड़ा सा अफसोस है जो ज्योग्राफी के लोग थे